Sure, Leslie, they are connected now. अब आप इस पे हाँ जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये यार इधर रखते हैं कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल फर्स्ट टाइम आई वुड हैव टॉट इन 2003, सही ना? और मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था तो उनमें से आप बहुत सारे पीएचडी कर चुके हैं और जाहिर है पढ़ा भी रहे हैं। तो जो चीज मुझे समझ आई और जो मैंने उनसे पूछा भी और समझा भी, वो एक बात है कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इज अबाउट मेकिंग योर लॉजिक। इस परेशानी में कि फॉर का लूप लिखा कैसे जाता है, क्योंकि इमीडिएट परेशानी यही होती है ना, वो रन नहीं हो रहा, राइट? यही मसला है ना, प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। तो उससे जरा सा बालतर होके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की तरफ फोकस कीजिए। दिस वुड गो लॉन्ग वे। Okay. आप हो गए इस पे काम? अच्छा हो रहा चलिए कुछ फर्क आ रहा है। थैंक यू। यहाँ पे सामने आपके जो साथी बैठे हैं वो ज्यादा शैतानियां तो नहीं कर रहे, लेकिन अच्छा रियली घर से क्लास लेना इज मच इजियर फॉर मी, क्योंकि जो यहाँ की डिस्टर्बेंस है ना, वहां पे डिस्टर्बेंस बच्चों बेगम की होती है जिन्हें आप एक तरफ कर सकते हैं, यहाँ तो बड़े लोगों की होती है। प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं, डीन कुछ कह रहे हैं, तो उनको ऐसे बताया नहीं जा सकता कि क्लास है। ऑलराइट, तो इस जो हमारा 20 मिनट्स, ये जो हमारा फ्रेमवर्क है, इसमें हमने क्या क्या कर लिया, कौन मुझे बता सकता है प्लीज? कॉन्कर द सेल्फ हो गया? कुछ याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, वाकई हो गया? वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू हो गया? इसमें हमने क्या पढ़ा? बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, एंड इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का फर्क, टाइम इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग, राइट? उसके बाद हम आगे कॉन्कर द वर्ल्ड पे, उसमें हाउ टू विन रिलेशनशिप्स में हमने लास्ट क्लास में दो चीजें पढ़ ली, विन विन रिलेशनशिप्स और सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। वो याद है हमने पांच पुअर लिसनिंग स्टाइल्स पढ़े थे और स्पेसिंग आउट वगैरह, यस। तो आज जो हमारी गुफ्तगू है, हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर तक पहुंचने से पहले की आखिरी गुफ्तगू है, जिसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे। वन इज सिनर्जाइज एंड द अदर इज शार्प इन द सॉ। इन दोनों हैबिट्स की जरूरत भी हाउ टू विन रिलेशनशिप्स के लिए यही है। शार्प इन द सॉ इज अ जनरल थिंग, लेकिन सिनर्जाइज इज यकीनन हाउ टू विन रिलेशनशिप्स के अंदर में ही आता है। आज सुबह आप उठे और यहाँ आ गए, तो आपके यहाँ बैठे होना देर वर न्यूमरस पीपल हु एक्चुअली हेल्प्ड यू ऑन वर्क टू मेक यू रीच हियर, ऐसे ही ठीक है? तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि आप घर के कोजी एनवायरनमेंट में थे, तो देयर समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू दैट अरेंजमेंट, एंड देन आपको सुबह उठा लिया गया और नाश्ता वाश्ता कराया गया, एंड देन यू समहाउ यू रीच टू दैट कैंपस, वहां से आप पॉइंट से आ गए या खुद से आ गए समा। तो जब इतनी एक छोटे से इवेंट के लिए वी नीड पीपल अराउंड, तो ये जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजर सकती, राइट?
तो कोई भी एक मीगर सी की जो जो विन है, जो सक्सेस है, उसमें वी कैन नेवर से कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी विन. वी कैन नॉट से दैट. ठीक है, तो देर आर पीपल अराउंड अस हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर आर सक्सेस, एंड हम जो हैं सिर्फ अपने फेलियर्स के जिम्मेदार हैं. तो आप बोलेंगे कि ये क्या बात हुई, जब सक्सेस के लिए और लोग जिम्मेदार हैं तो फेलियर के लिए भी तो कोई जिम्मेदार होगा. यकीनन होगा, कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन जैसे ही हम ऐसा कहेंगे कि कोई और जिम्मेदार है मेरे फेलियर का, तो मेरा कंट्रोल लूज हो जाता है ना. तो इसका मतलब आई हैव अलाउड समवन टू मेक यू फेल, आई हैव अलाउड समवन टू डू वट एवर ही और शी कैन डू विद मी. ठीक है ना, फेलियर. सो उस तरफ तो खैर अगले डब्बे में हमारी गुफ्तगू होनी है कि हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर. लेकिन फिलहाल जो हमारी गुफ्तगू है वो किस पे है, वो इस पे है कि सिनर्जाइज करना है. वी नीड पीपल अराउंड एंड वी नीड टू टेक देम अलोंग. जिम साहब ने सबसे पहले K2 सर किया, K2 अंडरस्टैंड है ना, हाईएस्ट पीक पाकिस्तान की, दुनिया की सेकंड. तो उनसे पूछा गया हाउ इट फेल्ट देयर, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट, आई मिस माय मदर देयर. ठीक है, तो इवन स्पेस में भी एक साहब से पूछा गया था, तो बेगम साहब. तो वी नीड पीपल अराउंड, वेदर इट्स अ मोमेंट ऑफ अ प्लेजर और इट्स अ मोमेंट ऑफ सॉरो. वो जो लम्हा है उसकी जो खुशी या गम जो भी है, उसमें भी व्हाट वी वांट, वी नीड पीपल अराउंड. तो इस वजह से सिनर्जाइज मींस के हाउ टू टेक पीपल अलोंग. अब कोई आपके साथ है, कोई आपके साथ नहीं है, और किसी का आपके साथ होना या ना होना, आप जरा एनालाइज कीजिए अब तक की आप जिंदगी गुजार चुके हैं योर एडल्ट्स, कि वो किस बात पे है. वो सिर्फ इस सिचुएशन पे है कि हाउ कंफर्टेबल दैट पर्सन कैन गो अलोंग विद यू. सॉरी, ये कर लें पहले. इनके जो तकलीफ है वो अलहदा में सॉल्व होगी. तो इस वक्त हम चूंकि पब्लिक एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं, आप यू कैन कम टू माय ऑफिस. चले, तो हमने क्या बात की, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही. आई थिंक इट्स हैपनिंग. कोई बात नहीं, लेकिन इट्स नाइस ऑफ यू एंड थॉटफुल ऑफ यू टू एक्चुअली पॉइंट दैट आउट. थैंक यू. गलती सही, लेकिन इट शोज एन एटीट्यूड ऑफ केयर. ठीक है, अच्छा जी, तो क्या गुफ्तगु है कि जनाब ये हमने सिनर्जाइज कैसे होना है. सिनर्जाइज इज अबाउट टीम वर्क. अच्छा, आप सब लोगों को, मुझे ये याद आया कि आप सब लोगों को पता चल गया है ना कि आपने प्रोजेक्ट में क्या करना है, और आपको उसकी डेडलाइन भी पता चल गई. नहीं पता, आज हम क्लास ले रहे हैं, इसके एग्जैक्ट 2 वीक्स बाद. तो आपने उसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है. क्या करना है, यू जस्ट नीड टू मेक अ मोनोलॉग, कैमरे में देख के बात करनी है, पढ़ना नहीं है कुछ, याद कर लें, आई डोंट माइंड. चार, कम से कम 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट. ठीक है जी, और वो आप बात कर सकते हैं किसी भी ऐसी चीज पे जो रिलेटेड हो लीडरशिप, मोटिवेशन से मुताल, ठीक है, विजन से मुताल. सर, याद करके बोलनी है, याद करके बोलनी है. नहीं, I need to see you that you are you. ठीक है जी, तो ना कैमरा बंद होगा और कैमरे में आपने बात करनी है, और यू कैन से व्हाटएवर यू फील लाइक. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई. आई एम नॉट रिप्लाइंग टू सम चैट्स. चलें जी, प्रोजेक्ट के बारे में दोबारा बता दें. प्रोजेक्ट ये है जनाब कि आपने विजन, लीडरशिप या मोटिवेशन पे किसी एक टॉपिक पे 4 से 5 मिनट गुफ्तगू करनी है कैमरे में देख के. आपने पढ़ना नहीं है, ठीक है, आप पहले से कुछ रीडिंग्स कर लें और उसको जहन में रखते हुए गुफ्तगू कर लें. यानी यू आर ओपन टू टॉक अबाउट एनीथिंग. ठीक है, आप उसके ग्राउंड्स को किसी स्पोर्ट्स से रिलेट कर दें, कोई हॉलीवुड सेलिब्रिटी से रिलेट कर दें, किसी साइंटिस्ट से रिलेट कर दें,
रिलीजन से रिलेट करते हैं, जिससे दिल चाहे करते हैं, इमरान खान से रिलेट करते हैं, ठीक है जी। और बहुत सारे लोग वुड नॉट एग्री टू दैट, नो पावर पॉइंट, नो पावर पॉइंट, इट्स जस्ट यू टॉकिंग इन द कैमरा, कहीं पे कर ले, आई डोंट माइंड, आई नीड टू सी यू। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये चूंकि मैंने अभी ये टॉपिक किया ना, इसलिए इमिजिएटली मैं जानना आ गया, ये बिल्कुल वो नहीं। अभी मैंने एक 10 मिनट का मुझे मेरे टीचर ने दिया, तो मैंने डिलीवर करना था कि 8 लीडरशिप प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। तो अब मुझे ये निकालना था कि कोई ऐसे वाकयात हो जिससे वो चीज मैं साबित कर सकूं जो कंटेम्पररी लीडरशिप का, जो अंग्रेज का मटेरियल है, जो थियोरेटिकल फाउंडेशन है लीडरशिप की, उससे ऐसे चीजें निकालूं कि जो उस पर मैप हो सकें। तो इट टुक मी क्वाइट अ व्हाइल, एक्चुअली 20 घंटे में हुआ। तो मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप दो चार पेज भी किसी भी किताब के पढ़ के, और अब कुछ यू कैन रिलेट विद अ फ्यू एग्जांपल्स। लेकिन आदमी जब कुछ करना चले तो ऐसा करे ना कि कुछ अच्छा हो, यू नो। तो एक्सीलेंस इज ए हैबिट, है ना। बस जी बिल्कुल, इट कैन बी बाय लैंग्वेज, इट कैन बी प्योर पंजाबी, इट कैन बी एनीथिंग। बस मैं पंजाबी तक पकड़ पाता हूँ जी, वो कुछ दोस्त हैं पंजाबी वो भी, इसलिए। लेकिन पश्तो मुझसे दूर है। हाँ, अगर दो, इट कैन गिव गो बोथ वेज, आई हैव फ्रेंड्स जिनसे मैं डिकोड करा लूंगा। तो लेट इट बी बाय लैंग्वेज, जस्ट बी कंफर्टेबल यार, स्पीक योर माइंड। लेकिन यू शुड बी मेकिंग सम सेंस, यू शुड बी मेकिंग सम सेंस, राइट। ठीक है जी, क्लियर है, चलें वापस आ जाते हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, यू गॉट इट जी। दो हफ्ते का टाइम दिया गया, कोई किसी की वीडियो नहीं देख रहा होगा, आपने गूगल पे सबमिट करनी है, मैं देख के आई विल डिलीट इट, नो प्रॉब्लम। वो ज्यादा कंसर्न नहीं होती, अच्छा जो मैं अपलोड करूंगा आप सबके सामने चलाएंगे, मैं चलाऊं ये टॉप थ्री को, परहैप्स आई शो टू यू, सही है, जो लगेगा कि वाह यार दे आर मेकिंग सेंस। जी बिल्कुल, जनरल डिस्कशन करें, बट कुछ कुछ नॉलेजेबल डिस्कशन हो ना। चल ठीक है, ओके जी। अच्छा, द सोसाइटी वी आर लिविंग इन, ऑफ कोर्स, तो उसमें डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करने का तो कोई माहौल है नहीं। हमारे यहाँ मैक्सिमम ये किया जाता है कि वो जो कुरान की आयत है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, तो उस पे हम रह जाते हैं मैक्सिमम। और वो ये है कि भाई आपको जो करना है आप करें, मैं जो कर रहा हूं मैं करूं। तो इसको भी चूंकि माशरा इस कदर पस्ती में मौजूद है कि वो इस चीज को भी बहुत अच्छा समझाते हैं, यानी कि अगर, यानी कि हमारे लिए जो सबसे वेलकम बिहेवियर है वो ये है कि भाई मार दो, मर जाओ, हु इज नॉट एग्री टू मी तो ही डजंट हैव द राइट टू लिव। हम तो इस वाले मोड पे रहते हैं। तो उनमें कोई एक आदमी ऐसी बात कर दे कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करें, एज फार एज यू आर अलाउंग मी टू डू व्हाट आई वांट टू डू, तो उस बात को अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन महज़ब माशरों में ऐसा नहीं है, ये लोएस्ट लेवल है। एक्चुअली इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस, जो माशरा जुड़ता है। मैंने दो जगहों पे देखा, आई स्पेंड लाइक 6-8 मंथ्स एज अ प्लेस कि जहां पे बिल्कुल तीन अलग अलग तरह के रिलीजन है, यानी कि बुद्धिस्ट हैं, हिंदूज हैं और मुस्लिम हैं, और ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन है। तो दे आर लिविंग एज पीसफुली एज As one can live, और जो technological innovation है और economy है country की, वो booming है, और वो सब इस वजह से है कि they went through it, कि किसी को किसी से कोई problem ना हो, they reached to this level of maturity, ठीक है जी। तो celebrating difference it's a next level thing, जरा सोचिए इस चीज को कि आपका अपने दोस्त से जिस बात पे हमेशा पड़ा रहता है और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं बिकॉज ही इज अ फ्रेंड टू यू। हम ये नहीं कह रहे कि आप बर्दाश्त कर रहे हैं, हम इससे आगे की बात कर रहे हैं,
हम इससे आगे की बात ये कर रहे हैं कि यू वुड बी हेल्पिंग हिम फॉर दैट पर्टिकुलर डिफरेंस दैट यू डोंट लाइक। तो ये करना कुछ आसान नहीं होगा, ये करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होगा। और दूसरी तरफ से भी ऑफ कोर्स आप यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ऑल अ माइनॉरिटी ऑफ वन का मतलब ये है कि हम कितने ही तीर मार लें, इस शहर में कितने ही डिफरेंट रिलीजन सेक्ट्स के लोग मौजूद हैं, लेकिन कुल मिला के हैं कितने? गवर्नमेंट कहती है कोई 2 करोड़ है, आप कहते हैं आप 3.5 करोड़ है, तो पाकिस्तान में हो गए कोई 22 से 25 करोड़ और दुनिया में कोई 3 अरब। लेकिन जब हम एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इस दुनिया को देखते हैं तो वो बिग बैंग की बहुत सारी पिक्चर्स हमने देखी होंगी ना, कि एक फुटबॉल फील्ड में एक डॉट लगा दें, दैट इज आवर गैलेक्सी, ठीक है ना, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। इट हैज मिलियंस ऑफ द स्टार, उसमें से एक है सूरज, और सूरज के अंदर एक है जमीन, और उसमें से एक है आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट्स व्हाई वी इट इज रिटन ऑल आर माइनॉरिटी ऑफ वन। एज फार एज ह्यूमन रेस इज कंसर्न, वी आर अ माइनॉरिटी इन दिस, अल्लाह की जो कायनात है इसमें हम क्या हैं? एक ऐसा यूनिट जिसकी कोई हैसियत इन ए फुटबॉल फील्ड अ डॉट, ये वैल्यू है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट सेज कि इट्स अ माइनॉरिटी ऑफ वन, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं, तो इसमें हमें करना क्या होगा? ये पैटर्न आप दुनिया में किसी भी चीज को पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अब्बा से कन्वर्सेशन में हो, या अम्मा से, या किसी और से, या टीचर से, या किसी से भी, दिस इज द पैटर्न दैट यू कुड फॉलो। मतलब यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम, एक आर्ग्यूमेंट है जिसपे गुफ्तगू हो रही है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर वे, ठीक है, एंड देन यू नीड टू प्रेजेंट योर वे With a twist that you are open to change yourself. You are open to adapt to what they are saying, but while saying that, you would be telling them कि आपको भी कुछ बदलना होगा, right? And then you can find a highway. समझ रहे हो बात को? तो it's not your way, it's not my way. The only road that would lead is highway. एक teacher को बहुत जरूरी है ये सब करना, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो सामने बैठा हुआ इज अ वेरी डिफरेंट वन, है ना। तो टीचर के लिए करना मुश्किल है, क्योंकि उसे ये जो हाईवे निकालना है वो 30-50 बच्चों के दरमियान निकालना है। लेकिन इफ यू आर हैविंग अ वन टू वन कन्वर्सेशन, देयर नो वन इज स्टॉपिंग यू, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट कुड स्टॉप यू टू फाइंड अ कॉमन प्लेग्राउंड, है ना। तो लेकिन एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि मेरी ही बात मानी जाए। आर्ग्यूमेंट में जब भी हम आते हैं ना, तो हम हमेशा ऐसा कर रहे होते हैं कि वी ऑलवेज वांट कि वी विन द आर्ग्यूमेंट। डोंट अप्रोच एन आर्ग्यूमेंट टू विनिंग इट, अप्रोच एन आर्ग्यूमेंट टू विन अ रिलेशनशिप, सही है जी। और ये एक्चुअली अप्लाई होता है, ये बिल्कुल, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये हर वक्त आपके घर में अप्लाई हो रही है, हर वक्त अप्लाई हो रही है। जैसे ही दो लोग बात कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग दिस व्हाइल दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। आप इस स्लाइड को यू कैन अप्लाई टू एनी कन्वर्सेशन। आप अभी यहाँ पठान के ढाबे पे चले जाइए, सुन लीजिए व्हाट, एक मेज पे बैठे हुए दो लोग जो बात कर रहे होंगे वो इस पे मूव कर रहे होंगे, ये सामने बैठे होंगे। किसी ऑफिस में चले जाइए, दो कुलीग्स बैठ के बात कर रहे होंगे, वो इसको फॉलो कर रहे होंगे। इट्स ऑलवेज लाइक दिस, you have your thing to say, the other person has his way of thinking, and then you try to find a path jis pe aap dono chal sake. Kisi bhi kaam ko karna hai, abhi we are approaching a job fair, theek hai ji, jisme kuch leading companies aa rahi hain, bahut sari hamari accreditation ka visit aa raha hai, us pe bahut sara kaam ho raha hai. To everyone has a say ki use kya karna hai aur kya nahi karna. So it's about finding a middle way. Yahan tak baat samajh mein aa gayi, ठीक है जी। तो दिस इज सिनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाए, एक उसमें बता दो एक जुमले में सिनर्जी क्या होती है,
दस परफेक्टली हो गए, गुस्सा उसको आता है जो ऐसा ना हो. आई एम परफेक्टली लाइक यू व्हेन आई एम सिटिंग एट दैट पार्ट ऑफ द रूम, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती. आई एम डूइंग माय जॉब, यू आर डूइंग योर जॉब, वी आर इवन. माय जॉब इज टू कम हियर डिलीवर, योर जॉब इज नॉट टू हियर. ठीक है ना, ऑफ कोर्स इट्स ओके. तो क्या बात हो रही है जी, सिनर्जी इज अबाउट टीम वर्क. और टीम वर्क कैसे होगा, यू नीड टू रीच टू अ कॉमन कंसेंसस. वो कॉमन कंसेंसस कैसे होगा, थ्रू दिस स्लाइड, जिसमें यू अंडरस्टैंड अदर्स और सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड, पूरा इस पे अप्लाई होगा. आप सुनेंगे अगले का आर्ग्यूमेंट, इट मेक सेंस. आज मैं आपको एक बात शेयर कर देता हूँ, अभी मेरे साथ हुआ 15 मिनट पहले. मुझे डीन ने बुलाया, कहा कि मैं बहुत अच्छे से आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, डोंट शेयर इट अराउंड. तो मैंने कहा जी कहिए. क्या यार, आप जब भी ओरिएंटेशन में बात करते हैं, मुझे ओरिएंटेशन लेते हुए इट्स बीन लाइक 12 इयर्स. ठीक है, डीन साहब को यहाँ पे आए हुए हुए होंगे 5-6 साल. उन्होंने कहा आप एक जुमला बोलते हैं कि 2.5 साल बाद यू पीपल वुड बी इन इंडस्ट्री. तो इस जुमले को कोई गलत तरह से इंटरप्रेट कर सकता है एज इफ के ये प्रोग्राम 2.5 साल का है. ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कहा इट्स अ बेटर वे ऑफ सेइंग इट इज कि वंस यू आर थ्रू विद द 2.5 इयर्स विल बी एबल टू फाइंड अ जॉब एंड विल फैसिलिटेट यू टू कंटिन्यू द रिमेनिंग 1.5 ईयर so that when you'll graduate you already have an experience of 1.5 years. Make all the sense, isn't it? It can be that simple. Yani ki aap ek kaam 12 saal se kar rahe hain, you think you're the cheetah person of that thing, and there's someone jo aapko yun bata sakta hai ki kyunki wo dusre dekh rahe hai na aapko, to aapko bahut cheeze kareeb se nahi dikh rahi, to use dikh rahi hai, wo aapko bata sakta. ठीक है, ऑफकोर्स जब मैं कहता था तो यही मकसद होता था, लेकिन ऑफकोर्स दिस इज द बेटर वे ऑफ सीइंग इट. ठीक है जी, तो ये हो गई यहां पे बात. सिनर्जी, आई एम ओपन टू लिसनिंग, आई एम ओपन टू लिसनिंग, आई लिसन व्हाट यू आर सेइंग, आई विल पुट माय थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, वी कैन फाइंड अ वे. और ये हर वक्त हो रहा होता है आपके घरों में, ऑफिस में, एवरीवेयर. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू ओपन द हार्ट. दिल बड़ा करना है टू क्या आपको कोई कोई बता सकता है, आपकी तस्हीक की जा सकती है किसी भी लम्हे. समझ रहे बात को? ठीक है जी, क्लियर है. इसके बाद जो हमारे पास आखिरी चीज है वो बिल्कुल सिंपल है, और जो कि बस अगले 10 मिनट में हम कर लेंगे. वो क्या है कि जनाब, शार्पन द सॉ. शार्पन द सॉ में ये है, बल्कि यहां से शुरू होगा. यस, तो शार्पन द सॉ में ये है कि ये जो 6 स्किल्स आपको मिल गई, कौन सी 6 स्किल्स मिल गई? बी प्रोएक्टिव. आप प्रोएक्टिव हो चुके हैं. अब आप किसी को ये नहीं कहते तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल है. आप ये कहते हैं आई एम हु आई एम, मैं जितना अच्छा जो बुरा कर रहा हूं वो सब मेरी अपनी वजह से है. फिर दूसरी हैबिट आपको मिल चुकी है, वो कौन सी है? बिगिन विद द एंड इन माइंड. नाउ यू हैव विजन, यू नो वेयर टू रीच, यू नो व्हाट टू डू. तीसरी बात, आपको पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट हो चुका है. आपको पता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है. आप अपनी जिंदगी का प्रोडक्टिव तरीन हिस्सा इंपॉर्टेंट पे लगाते हैं और अर्जेंट चीजों को छोड़ देते हैं. चौथी चीज और इंपॉर्टेंट क्या होता है, ओनली दैट थिंग दैट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर वर्सफाइल गोल. इसके अलावा हर चीज कुछ भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती आपके लिए. यू मे हैव इंटरेस्ट इन इट बट इट कैन नॉट बी इंपॉर्टेंट. इसके बाद चौथी चीज आपने क्या सीख ली है, थिंक वेन वेन, कि आप सबके साथ रह सकते हैं, आपने सबको साथ लेके चलना है, आपने अकेले कुछ नहीं कॉन्कर करना. फिर पांचवी चीज आपने ये सीख ली है कि हाउ टू लिसन. ठीक है जी, सीख फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड. और छठी चीज समझ जाए, ट्रस्ट मी कि ये 6 चीजें आप सिर्फ किसी भी कन्वर्सेशन में अप्लाई करना शुरू कीजिए एंड सी योरसेल्फ बूमिंग अराउंड. सही है, लेकिन आखिरी हैबिट ऑथर ये कहता है कि ये 6 जो चीजें आपको मिल गई ना, ये ऐसा नहीं है कि 100 रुपए का नोट है जो अब्बा से मिल गया वो आपके पास ही रहेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक दैट कि ये जो स्किल्स आपको मिल रही है आपको इन्हें मुस्तकिल ब्रश करना है, अदरवाइज यू विल लूज दैट. तो वो जो मुस्तकिल ब्रश करना है तो वो इट्स लाइक शार्पन द सॉ, है ना. तो अब दो वो क्लासिकल एग्जांपल है ना, ये दो लोगों को एक काम दिया गया, भाई ये लकड़ी काटनी है, तो थोड़े देर बाद हिट करने के बाद 100 वीक हो गया, उसका एच वीक हो गया, तो वन टुक द टाइम
कि वो उसको शार्प करे, ठीक है, मुख्तलिफ तरह से। दूसरे ने कहा अगर मैं ये करूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो उसी बैट सॉ से लगा रहा, लेकिन इवेंचुअली वो नहीं कर पाया, और जिसने शार्प करने पर टाइम लगाया वो जब वापस आया तो उसने क्विकली उसे कट कर लिया। तो जो जो टाइम, जो एफर्ट सॉ को शार्प करने पे लग रहा है, जो एफर्ट आपको मुझे अपने ऊपर लगाने टू गेट आवर सेल्फ एट द टॉप ऑफ आवर गेम फॉर एवरीथिंग, वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो एक्चुअली वी आर पुटिंग इन, और जब हम वापस आएंगे तो हम बहुत तेजी से चीजों में आगे बढ़ जाएंगे। तो चार एरियाज हैं एज पर द बुक जिनमें हमने आपको मुस्तकिल कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने, वो कौन से? पहला हो गया आपकी बॉडी, ठीक है, ऑफ कोर्स हेल्दी माइंड कैन ओनली लिव इन द बॉडी। तो भाई आपने जो भी दुनिया जाके उसूल है टू गेट फिट वो आपने करने। उसके बाद क्या हो गया जनाब? उसके बाद हो गया आपका हार्ट, ठीक है जी। तीसरी चीज हो गई आपका ब्रेन, और चौथी चीज हो गई आपकी स्पिरिचुअलिटी। आप उसे स्पिरिचुअलिटी कह लें, आप उसे रिलीजन कह लें, जिससे भी आपको वो सेंस ड्राइव होता है आप वो कर लें। आपको नेक काम करके अगर खुशी नहीं मिल रही तो नो मैटर आपका किसी भी रिलीजन से ताल्लुक है, देयर समथिंग रॉन्ग, मतलब यू कुड बी एनीथिंग बट इंसान, यू कुड बी एनीथिंग बट इंसान, अगर आपको नेकी से खुशी नहीं मिलती। वो इश्वास आपको जानते हैं आप लोग? डॉक्टर इश्वार अहमद एक बहुत जबरदस्त आदमी रहे, ही इज नो मोर विद अस। तो उनका मैंने एक क्लिप सुना, अक्सर देखता हूँ, फॉलो भी करता हूँ, हजरत को मैंने लाइव सुना भी है। उन्होंने उलमा के सामने, बड़े बड़े मौलवी बैठे, उनके सामने कहा कि अगर आप किसी की हेल्प करने की अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है और आप किसी को मुश्किल में देखते हैं और आप हेल्प कर सकते हैं और आप नहीं करते हैं, तो आप मौलवी हो सकते हैं, आप मुहद्दिस हो सकते हैं, आप मुफ्ती हो सकते हैं, आप नेक नहीं हो सकते। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है, किसी खतरनाक बात है ना, यानी आप कुछ भी हो सकते हैं, आप नेक नहीं हो सकते। इफ यू हैव द कैपेसिटी टू हेल्प एनीवन एंड यू आर सीइंग समवन इन ट्रबल एंड यू आर नॉट हेल्पिंग हिम आउट, तो बिल्कुल यहां भी यही बात हो रही है। तो पहली चीज हो गई बॉडी, दूसरी चीज हो गई हमारा ब्रेन। वी नीड टू डेवलप आवर एप्टीट्यूड, द एटीट्यूड, द स्किल्स, जो भी चीज, वो व्हाटसोएवर इज आवर गेम। अगर मैं गाना गाता हूं तो मुझे फोकस करने के, मैं अच्छा गाऊं। अगर मैं अच्छा खेलता हूं, मुझे फोकस करना है मैं अच्छा खेलूं। अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो मुझे फोकस करना है कि मैं अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। तो ये कैपेबिलिटी इज देयर, राइट? और इस कैपेबिलिटी के लिए एक जनरल एप्टीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग चाहिए, जो अगर मिसिंग है तो पहले उस पर काम होना है। ये हो गई हमारी दूसरी बात। तीसरी बात हमारी हो गई जो हमारे रिलेशनशिप, जैसे मैं हार्ट कहता हूं, तो व्हेन टू हैव इट, व्हेन नॉट टू हैव इट, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज लेजिट, व्हाट इज नॉट लेजिट, व्हेन टू डू सर्टेन थिंग्स that we always want to do since our childhood, till when to stop, you know what I'm saying, theek hai ji, har kaam ka ek waqt hai, the things would reach to you, kab rukna hai, kahan tak jana hai kisi ke sath, kahan tak nahi jana, ye sab aapki choices aur aapki ideology se help karegi, koi aur nahi kar sakta, koi aur nahi kar sakta, it's you who decide, ठीक है जी। एंड वी ऑल हैव वेंट थ्रू दीज एजेस, यू आर इन इट, वी नो व्हाट आर द प्रेशर्स, वी अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा होता है, सही? एंड इट्स वी, नो वन कैन कीप एन आई ऑन यू, नो वन, ठीक है? तो इट्स यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर माइंड, इट्स यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी, दैट्स द हार्ट, ठीक है जी। और फिर मेरी वही बात है कि संडे की सुबह आपसे इसलिए नहीं उठा जाता कि आपका दिल नहीं चाहता, तो जो दिल आपके बॉडी के अंदर मौजूद है वो आपके काबू में नहीं है, और जो किसी और की बॉडी में उस पर काबू करना है आपको। इट डजंट मेक सेंस, ट्रस्ट मी, इट डजंट मेक सेंस, सही है ना? ये बिल्कुल ऐसी बात है, आप मीटर में फेल हो और जाके घर बोले 4GB आ रही है फाइनल, It doesn't make sense. मैं मानता हूं आप कोशिश कर लेंगे, मैं मानता हूं आप दिन रात एक करते तो भी 4GPA नहीं आती, because you have lost that 20 marks. आप कुछ भी कर लें नहीं आ सकती ना, तो ये बिल्कुल ऐसी बात है। अब आप कुछ भी कर लें, अगर आप, you cannot conquer your heart, you cannot, you just cannot
conquer anyone's heart. Our last and not the least is the spirituality, is to do good and to do better. It's your soul. Achha karna, nahi karna, feels good. Nahi pata chalta to samajh nahi aa raha. Is pe likha hai fried frogs. Iska matlab kya hai? देखें ऐसे लोगों का क्लास में होना बहुत जरूरी है. लेट मी पेपर कब चेक होंगे? पेपर चेक होंगे अटेंडेंस. सब लोग मार्क कर लें जल्दी से जाके. गो एंड मार्क योर अटेंडेंस. यानी ऑनलाइन वाले बच्चे कितने अकलमंद होते हैं, हर चीज पे नजर रखे होते हैं ये लोग. अटेंडेंस का निगाह आपने अब तक, ये निगाह वो निगाह. घर की दीवार. All right, attendance मैं आपको पुट कर दूंगा, आप उस पर मार्क कर दीजिएगा. ठीक है, अभी नहीं हो पा रहा हूँ. अभी मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ इस टॉपिक को, और बाद में आप लोग अपलोड आज के दिन में मार्क कर दीजिएगा. ठीक है, मार्क्स जो हैं लिखा हुआ है सर प्लीज मार्क्स रहम करके अच्छी अता करिएगा. माय गॉड भाई, मेरी तरफ से सब पास हैं. अनलेस के कोई बहुत ही ऐसा आदमी जो मुझे अपने साथ कुएं में ही खींचना चाह रहा हो तो उसकी मैं हेल्प नहीं कर सकता. अदरवाइज आई एम लुकिंग टू गेट एवरीथिंग आउट, एवरीवन आउट. ठीक है, चलें जी. तो हमारी गुफ्तगू को कहां तक पहुंच गई जी? बिल्कुल सर, कहाँ लगानी है अटेंडेंस? अटेंडेंस अभी नहीं लगानी, वो गूगल क्लासरूम पे लगेगी. मैं उसे आप कर दूंगा, वहां पे वो एक कमेंट डाल दूंगा, उसके पे लगा दीजिएगा अटेंडेंस. ओके, ठीक है जनाब. तो प्रैक्टिकली वी आर ओवर विद द डिस्कशन. सही है कि जिसमें हमारी जो गुफ्तगू हुई है वो क्या हुई है कि हमने क्या करना है, जो शार्पन द सॉ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. चार डिफरेंट एरियाज में शार्पन द सॉ है. और आपको ये भी क्लियर हो गया कि क्या क्लियर हो गया, उससे पहले वाली जो हमने बात की थी, सिनर्जाइज. तो इट कैन बी योर वे, इट कैन बी माय वे, इट कैन ओनली बी हाई वे. ये हमारी गुफ्तगू हो गई. ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? दैट्स प्रीटी मच इट. द बुक इज ओवर. ठीक है, अब जो हमारा एक टीचिंग लेक्चर रह गया है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी छोटी सी किताब है जिसका नाम है हु मूव्ड माय चीज. डॉक्टर स्पेंसन जॉनसन एक सेलिब्रेटेड ऑथर है. उसने इतनी पतली सी एक किताब, इतनी वो ट्रेनिंग कराता था, वो इतनी हिट हो गई, टॉप नॉच सीईओ उसको ट्रेनिंग कराता था. उस ट्रेनिंग का उसने नाम रखा था हु मूव्ड माय चीज, मेरी चीज को किसने हिलाया. ठीक है, तो भाई ये अंग्रेजी वाली चीज है. ठीक है, तो देन इट बिकम्स सो, मतलब मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड. तो उसको आपसे डिस्कस करेंगे. मैं जो अक्सर कहता हूं ना कि इंसान बनने के लिए हमेशा बहुत ज्यादा ये फ्रूटफुल नहीं है कि इंसान होना, तो बहुत सारे दूसरे स्पीशीज जो है उनमें हमसे बहुत सारी ज्यादा सलाहियतें हैं. ठीक है, तो उनसे अगर वो हम ड्रॉ कर लें, उनसे कुछ सीख लें तो बेहतर है. तो ये किताब कुछ इस तरह से गुफ्तगू करती है. ठीक है जी, हाँ जी, एग्जैक्टली खाने वाली चीज, बिल्कुल सही गाया. ऑलराइट, तो आई एम साइनिंग इट. चलें, टेक केयर पीपल. अगले बुक तक हो सकता है आपकी कॉपियां तो शायद मैं सबको ना दिखा पाऊं, लेकिन बहरहाल आपके रिजल्ट मार्क्स जरूर मैं दे दूंगा. अनलेस किसी ने पूरी मार्क्स अच्छे देगा प्लीज सर, बच्चों की तरह है आपके. जी मैं 100% ऐसे ही मानता हूँ कि आप सब मेरे बच्चों की तरह ही हैं. जी अब ये डिपेंड करते हैं ना, 40% ये लोग कह रहे सर हमारे जीपीए अच्छी बन गए. जी बिल्कुल बेटे, ऐसे ही हो सर. बस ओके, टेक केयर, बाय बाय.